नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज़। के न्यूज़ में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भूतनाथ मंदिर के पुजारियों ने सरकार और प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा हमें परिसर में निकालना चाहता है प्रशासन। चंबा जिला में पुलिस ने पकड़ी 900 ग्राम चरस, नाके के दौरान पकड़ी गई चरस, दो पुरुष और एक महिला गिरफ्तार। मंडी में वॉइस ऑफ हिमाचल अरीन अरोड़ा ने लॉन्च की अपनी पहली एल्बम, मिस हिमाचल नेहा शर्मा ने की है एक्टिंग। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने ली करवट, आने वाले रविवार तक रहेगा मौसम खराब। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की फीस में वृद्धि करने का फैसला लिया था। मंडी कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मसले पर आवाज बुलंद की हुई है। 3 दिन पहले उन्होंने VC के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था और अब ABBP ने फीस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए एक हस्ताक्षर अभियान चला रखा है, जिसमें कई छात्र व छात्राओं ने अपने हस्ताक्षर कर फीस में वृद्धि के विरोध में आवाज बुलंद की हुई है। आज अगर विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया देखा जाए तो अपने मनमाने दाम जो है वसूल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में इतने सक्षम विद्यार्थी नहीं है कि वो उस स्तर की एक फीस पे कर सके। विद्यार्थियों को फीस पे करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, जैसे कि 25% बढ़ोतरी एक साथ की जा रही है, तो 25% जो बढ़ोतरी है एकदम जायज नहीं है। मेरा और विद्यार्थी परिषद की तरफ से मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि इस फीस को बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसमें कुछ कटौती की जाए। कटौती इसमें कुछ परसेंट, 25% जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, इसे कुछ कम किया जाए और कोई भी छात्र हमारा शिक्षा से वंचित ना रहे, हिमाचल में कोई भी अशिक्षित ना हो, इसके लिए ढंग से छात्रित में रहकर फैसले लिए जाए, ताकि आने वाला जो हमारा हिमाचल का समय है शुभ रहे। इसके लिए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक ढंग के फैसले लिए जाए, फैसले लें। फीस के खिलाफ बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसकी बात वाइस चांसलर से भी की है और वो हमने वाइस चांसलर को भेज दिया है और इसका डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यूनिवर्सिटी की, उन्होंने लिया है, तो ये उनको भेज दिया है। मंडी के भूतनाथ मंदिर के पुजारियों ने सरकार और प्रशासन पर उनकी जमीन को हथियाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार कहती है कि उनका इस जगह पर कोई भी हक नहीं है और वे अपनी परिवार सहित यहाँ से चले जाएं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जहाँ पर प्रशासन ने सराय बना दी है, वहाँ पर पहले कभी मठ हुआ करता था। यहाँ भक्तों के लिए कमरे भी बने थे, यहाँ कोई भी व्यक्ति ठहर सकता था और उससे इस बात के कोई पैसे भी नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इस सराय में आने वाले लोगों से किराया लिया जाता है। ये जो नई सराय बनी है, ये हमारी समाधि की जगह थी, ये हमारा मठ है, हमारे मठ की जगह थी, तो यहाँ हमने सत्संग भवन मंगवा दिया था भक्तों से अपने, उसके ऊपर कमरे बने हुए हैं भक्तों के लिए। लेकिन सराय धर्मशाला नाम उसका होता है, जिसमें के कोई गरीब गुरबा हो, कोई अतिथि सत्कार कहीं से भी किसी टाइम भी कोई जगह ना मिले, लेकिन यहाँ भूतनाथ में जगह मिलती थी, पर भी मेरी सराय में मिल जाता था जगह। रात को 2 बजे भी आ जाते थे, तब भी मैं उनको ठहरता था, रोटी भी मेरे पास खाते थे, छाते मेरे पास है, मेरे पास अभी भी रजिस्टर भरे हुए, मैं बताऊँगा आपको कि रजिस्टर है मेरे पास पहले पुराने, आज के नहीं। तो ये जो सराय है ये बना दी, अब इसकी सराय को भी ऐसा होना चाहिए कि सत्संग वगैरह हो, भजन हो, उसके लिए किराया नहीं होना चाहिए। वहीं पुजारी परिवार से जुड़ी महिला कृष्णा का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह कोशिश करती आ रही है कि उन्हें यहाँ से निकाला जा सके। धर्मशाला को भी प्रशासन ने किराए पर चढ़ा रखा है, उस पैसे का क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम।
और यहाँ पर हमारे को कोई भी सुविधा नहीं है। अब यहाँ से भी हमारे को इतनी कोशिश कर रही है सरकार के निकल जाए तो अच्छा है, मगर हम फिर भी जुटे हुए हैं। क्यों, हम मैं भूतनाथ के पुजारी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ यहाँ जो भी धर्मशाला वगैरह बनी ये सब किराए के ऊपर जा रही है, इस पैसे का कोई पता नहीं लगता कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता है। और हमारे को बार बार ऑफिसर लोग तंग करते हैं, कहते हैं कि आपका है क्या यहाँ और आप यहाँ से चले जाओ। और जो मेरा छोटा सा मकान है उसके बारे भी हमारे को तंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे छत डालेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो हम कहाँ जाएँ, हमारे को सरकार दे ना जवाब कि हम कहाँ निकलेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल के बिलासपुर जिला में जेपी सीमेंट उद्योग बांध के विस्थापित और प्रभावित भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर्स दी एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन हमीरपुर के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसलिए उन्हें एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जेपी सीमेंट उद्योग बागा के विस्थापित व प्रभावित भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर्स दी एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन हमीरपुर के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने एक बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। उनका कहना है कि 7 फरवरी को बिलासपुर में चक्का जाम किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने 24/12/2012 को ये जो हमारा कॉरपोरेशन के साथ डिस्प्यूट था इस बारे में फैसला सुनाया कि 70 जो ट्रक्स हैं वो ऋषि मार्कंडे ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के फौजियों के थे और 56 जो गाड़ियां थी वो एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन हमीरपुर के फौजियों की थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इन गाड़ियों को तुरंत जेपी कारखाने के अंदर जो 5% कोटा जो प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया है इनको काम पे लगाया जाए। लेकिन आज बड़ा खेद का विषय है कि दर्जनों दफ़ा हम सीएमडी के वहाँ कार्यालय में जाते हैं, वहाँ से आश्वासन मिलते हैं, हमारी 70 में से सिर्फ 31 गाड़ियों को ही काम आज दिन तक मिला है और अभी 39 ट्रक हमारे यहाँ पर खड़े हैं और ये फौजी बहुत परेशानी में है, लाखों का कर्ज बैंक का चढ़ चुका है और सीएमडी जो है वो अपना मनमाना जो रवैया है उसको अपनाए हुए हैं और कोर्ट के हुक्म की भी तामीली नहीं की जा रही है। इसलिए इस विरोध में, क्योंकि हमने दर्जनों दफ़ा सीएमडी से मुलाकातें करी, जिला प्रशासन से की, तो इसलिए हम अपनी जो हमारी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है फौजियों की रानी कोटला के पास जबल पुल पर 7 तारीख को इस विरोध सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चक्का जाम करेंगे। इसलिए पुनः हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस कार्य को करने के लिए हमें सीएमडी साहब बाधित ना करें और उससे पहले हमारे जो फौजियों के 39 जो ट्रक हैं उनको काम दिया जाए। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी उनके ट्रकों को कॉरपोरेशन द्वारा जेपी सीमेंट फैक्ट्री में माल ढुलाई का कार्य नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पूर्व सैनिकों के नए खरीदे गए ट्रक 5 महीने से बेकार खड़े हुए हैं और हर ट्रक की 30,000 से 32,000 रुपये मासिक किश्त बैंकों को ऋण के रूप में जेब से देते देते आज ये भूतपूर्व सैनिक कंगाल हो चुके हैं। के न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विजयराज उपाध्याय की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। १९२८ से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस आभूषणों के निर्माता व विक्रेता, यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण, साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग,
मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। स्कूल में बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, सुव्यवस्थित विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाएं व खेल का मैदान उपलब्ध है। प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन व योग्य अध्यापकों की कड़ी मेहनत से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों व खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। नरेंद्र अत्ती जैसे व्यक्ति एवं युवा नेतृत्व केवल भाजयुमो ही नहीं बल्कि समाज की भी आवश्यकता है। ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे पैरी गोयल ने भाजयुमो राष्ट्रीय सदस्य एवं पंजाब प्रांत प्रभारी नरेंद्र अत्ती से मिलने के बाद उन्हीं के निवास स्थान पर युवाओं से अपने विचार साझे करते हुए कही। पैरी गोयल मूलतः पंजाब के पटियाला जिले से संबंध रखते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत के वर्ल्ड कप जूनियर विजेता टीम जिसने मलेशिया में 2008 में वर्ल्ड कप जीता था उसके ये सदस्य भी रहे थे। पैरी गोयल नरेंद्र अत्तरी का हालचाल पूछने उनके घर आए थे। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही नरेंद्र अत्तरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और जल्द ही इनका मार्गदर्शन हिमाचल के साथ साथ पंजाब के युवाओं को भी मिले। हमारे प्रभारी श्री नरेंद्र भाई अत्तरी जी के ऊपर जो कांग्रेस वालों ने अटैक किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और जब हमें इस चीज़ का पता चला तो बहुत चिंतित थे और हमारे प्रभारी होते हुए मुझे हमेशा इनसे गाइडलाइंस मिली है, तो मैं चाहता था कि मैं एक बार इनका हालचाल पूछ के आऊँ और इसी सिलसिले में आज हमीरपुर आने का प्लान बना। और आने वाले समय में हमारे पंजाब में क्रिकेट प्रतियोगिताएँ चल रही हैं तो उस संबंधी पहले भी इनसे गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, उसी संबंधी मेरा प्लान था कि हम इनसे कुछ डिस्कशंस भी करनी थी और साथ ही साथ आज ये प्लान बना। सर, पिछले कुछ दिनों से अत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं तो ये पंजाब के प्रभारी भी हैं, तो क्या मानते हैं कितना गैप पड़ा है वहाँ पंजाब में? अत्री जी का हमेशा ही पंजाब में बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है जी। जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं अत्री जी हमेशा हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारे हमेशा हमारे सबसे आगे रहते हैं, हमें हमेशा गुरु शिक्षा देने वाली बात रही है, मार्गदर्शन हमेशा से करते रही हैं। तो ऐसा रहा, लेकिन स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो हमें नुकसान जरूर हुआ है कुछ समय का, लेकिन अब हम आशा कर रहे हैं कि अब अत्री जी बहुत जल्दी दोबारा से फिट हो जाएंगे और वापस आके हमें फिर से मार्गदर्शन देंगे। सर, आप एक क्रिकेट प्लेयर भी हैं तो क्या मैसेज करना चाहेंगे हिमाचल के युवाओं के लिए? श्री अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में पूरे देश भर में क्रिकेट प्रतियोगिताएं चलाई जा रही हैं। विश्व का सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता उन्होंने आरंभ की है जो और पंजाब में 25 प्रांतों 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ये टूर्नामेंट हो गया है और सभी जगहों पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि आज का जो युवा जो स्पोर्ट्समैन है वो नशों से दूर रहे, अपनी रुचि स्पोर्ट्स में बढ़ाए और देश की उन्नति में अपना योगदान डाले। आपको बता दें कि पैरी गोयल वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में देश भर में चल रहे विभिन्न अभियानों से लाखों युवा भाजपा से जुड़ रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पैरी गोयल ने दावा किया कि लोकसभा 2014 के चुनावों में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में हुई बर्फबारी के साथ ही निचले हिमाचल में भी बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। बारिश के कारण जहां निचले हिमाचल में शीत लहर शुरू हो गई है, वहीं पूरा इलाका ठंड की चपेट में आ गया है। और इस वक्त इस बारिश के कारण जहां प्रदेश में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं सर्दियों के बचाव के लिए भी बिकने वाले सामान के व्यापारियों को भी चांदी कूटने का मौका मिल गया है। गेहूं के साथ पशु चारे के लिए होने वाले घास के लिए इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान इस बारिश को वरदान मानकर यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार गेहूं की अच्छी खासी फसल होने वाली है। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इससे जो है किसानों को अच्छी फसल की कीमत मिलेगी और अच्छा फायदा होगा किसानों के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बारिश हुई है जी, इससे तो फसल जो है ना जी पिछले साल से भी ज़्यादा फसल होगी अब, क्योंकि अभी मौके के ऊपर बारिश हो गई है और इस बारिश होने से जो है ना घास भी अच्छा हो जाएगा, पशुओं के लिए चारे की कोई कमी नहीं रहेगी और फसल भी बहुत अच्छी भरपूर फसल होगी। इस बारिश के कारण जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ी तो गर्म कपड़ों के साथ साथ ठंड से बचने के उपकरणों की सेल में भी इजाफा देखने को मिला। व्यापारियों ने कहा कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही उनका काम बढ़ेगा। बारिश से काफी ठंड बढ़ी है जिस कारण गर्म कपड़ों की सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों ने स्वेटर जैकेट की सेल में पिछले दो तीन दिन से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये बारिश जो है ये व्यापार के लिहाज से भी बहुत अच्छी है व्यापारियों के लिए। वहीं दूसरी ओर इस बारिश के चलते हमीरपुर के रीजनल अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। सर्दी के प्रकोप के कारण बच्चों में सर्दी जुकाम काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने माना कि इस सर्दी के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और लोगों को सर्दी से बचाव के उपाय करने चाहिए। बारिश होने की वजह से सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है नीचे हिमाचल में, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं सांस की तकलीफ से जुड़े हुए लोग, जैसे सर्दी खांसी जुकाम। इसके अलावा जो लोग दमे की शिकायत से पीड़ित हैं वो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है क्योंकि सर्दी में उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, तो इसलिए सांस की ही ज़्यादा तकलीफ वाले पेशेंट जो है ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल वायरल है सर्दी जुकाम गले में दर्द ये तो आ ही रहे हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बच्चों को और बूढ़ों को या जिस तरह सब कह रहे हैं? इसमें सर्दी से बचना चाहिए, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहनाएँ, भीगे ना बारिश में, बाहर ठंड ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लूड इनटेक लें, सूप लें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गर्म चीज़ें ताकि अपने शरीर को गर्म रख सकें। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना हीरे की बर्थ एक जोहरी ही कर सकता है, तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers, shop number 15, Indira Market, Mandi. ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहां उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in Chawla chicken, superb chicken, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 8265033999। आरिन अरोड़ा अपनी गायकी के चलते वॉइस ऑफ हिमाचल 2013 रह चुके हैं और नेहा शर्मा 2013 की मिस हिमाचल रह चुकी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों नामों से क्या कनेक्शन है, तो आइए हम आपको बताते हैं। आज मंडी में उभरते हुए पंजाबी गायक आरिन अरोड़ा की पहली म्यूजिक एल्बम नचना लॉन्च की गई। ये लॉन्चिंग एडीएम पंकज रॉय ने अपने हाथों से की। यह म्यूजिक वीडियो माइक्रो हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है और बतौर सिंगर आरिन अरोड़ा की यह पहली एल्बम है। सॉन्ग को एक फ्यूजन टाइप बनाया है जिसमें आपको एक वेस्टर्न म्यूजिक भी मिलेगा, इसमें जो आजकल डिमांड कर रहा है बीट वो भी मिलेगी, पंजाबी फोक जिसे हम बोलियाँ टाइप कहते हैं वो भी इसमें मिलेंगी, और हर तरह का इसमें मसाला, बॉलीवुड मसाला सारा इसमें मिलेगा। हमने इसको एक सारा एक मिक्सचर जिसको कह सकते हैं म्यूजिक का, वो हमने इसे बनाया है। वहीं अगर बात इस एल्बम की वीडियो की जाए तो इसमें आपको लीड रोल में नजर आएंगी मिस हिमाचल 2013 नेहा शर्मा। नेहा ने के न्यूज़ को अपने काम और अनुभव के बारे में बताया। इसमें मैं मेन लीड पे हूँ और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और बहुत धूम धड़का वाला सॉन्ग है और मस्ती वाला सॉन्ग है। इस सॉन्ग में सिंगर आरिन अरोड़ा और मेन लीड पे मैं काम कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है और आरिन का भी फर्स्ट सॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे हिमाचल में ये फेमस हो और हिमाचली इसको लाइक करें। हिमाचली सॉन्ग अभी एक किया है मिस हिमाचल नाम से है, बट वो अभी आया नहीं है, अभी उसका थोड़ा सा शूट बाकी बचा है। ये एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग आया है मेरा अपना जो है वो है राइजिंग, द राइजिंग स्टार भानु मियाँ का फर्स्ट सॉन्ग जाने का वो रिलीज़ होना है, और इसके अलावा आरिन का एक न्यू सॉन्ग है उसमें भी मुझे काम करना है। अब हम अपने दर्शकों को आरिन और नेहा की पहली एल्बम के कुछ दृश्य दिखाए चलते हैं। एक बारी सोनी तू हां कर दे मैं तेरे डैडी को जाके तेरा हाथ मांगना, ओ मैं ता तेरे नाल नचना सोनिए ने मैं ता तेरे नाल नचना, ओ मैं ता तेरे नाल नचना हीरिए ने मैं ता तेरे नाल नचना, ओ मैं ता तेरे नाल नचना सोनिए नी मैं ता तेरे नाल नचना हां, ओ मैं ता तेरे नाल नचना हीरिए नी मैं ता तेरे नाल नचना सोनिए सोनिए सोनिए। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।